दोस्तों, आपने अभी तक जितनी भी स्टोरीज पढ़ी या सुनी होगी उनमें से ज्यादातर में देखा होगा कि हर स्टोरी में एक हीरो होता है और एक विलन, और इन्हीं दो किरदारों के आसपास ही पूरी कहानी चलती रहती है। पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें हीरो और विलन एक ही है, वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेर। पर हर स्टोरी के अलग स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बहुत सैड एंडिंग होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार शिकारियों को रियल लाइफ में या टीवी में शिकार करते हुए देखा होगा, जिनमें एक बात कॉमन होती है कि हर शिकारी अपने से कमजोर शिकार को ही निशाना बनाता है। पर इस कहानी में नटवा डुमेला नाम का शेर उन चुनिंदा शिकारियों में से एक है जो कि निडर होकर हर किसी का सामना कर लेते हैं। वैसे तो नटवा डुमेला अपने सामने आए हुए सभी जानवरों से भर जाता है, पर इसे खास दुश्मनी हाइनाज से होती है। हाइनाज को देखकर इसका खून खौलने लगता है और ये बिना समय गवाए हाइनाज को देखते ही उन पर हमला कर देता है। एक हाइना हो या फिर हाइनाज का पूरा झुंड, अगर वो इस नटवा डुमेला शेर की नजर में आ गया तो बस तभी से उनके जीवन की उल्टी गिनती शुरू। फिर ये कुछ भी कर ले, नटवा डुमेला से नहीं बच सकते। ये जंगल के किसी भी कोने में छिप जाएं, नटवा डुमेला इन्हें ढूंढ ढूंढ कर इनका काम तमाम कर देता है। नटवा डुमेला के यही सब कारनामों को देखकर पूरी दुनिया शेर को हाइना किलर के नाम से जानती है। इसके अलावा नटवा डुमेला नाम जो कि सुनने में और बोलने में काफी अजीब लगता है, पर इस नाम का मतलब है ग्रीट्स द फायर, जो इसके कारनामों की तरह ही इसकी बहादुरी को दर्शाता है। अपने बड़े शरीर, ताकतवर पंजों और बड़े नुकीले दांत का इस्तेमाल करके हाइनाज के जीवन का ये विलन अपनी जिंदगी में लगभग 36 से ज्यादा हाइनाज का शिकार कर चुका था और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। नटवा डुमेला भले ही बाकी सब जानवरों और खासकर हाइनाज के लिए विलन हो, पर ये अपने प्राइड के सदस्यों के साथ बहुत प्यार से रहता था। इसके प्राइड में नटवा डुमेला के अलावा उसका भाई मैंडेव्यू और कुछ शेरनियां भी शामिल थी। इसमें से नटवा डुमेला सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर था, पर इससे विपरीत नटवा डुमेला का भाई मैनुडेवा ना ही नटवा डुमेला के जितना बहादुर था और ना ही नटवा डुमेला जितना ताकतवर। एक बार की बात है, मैनुडेवा यूं ही जंगल में घूम रहा था। अब शेर को देखकर तो सभी डरते हैं, और फिर ये तो नटवा डुमेला का भाई था जिस वजह से कोई भी जानवर मैनुडेवा के सामने नहीं आया। थोड़ा दूर चलने पर मैनुडेवा गलती से उस इलाके में पहुंच गया जहां हाइनाज का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। मैनुडेवा को अपने इलाके में देखकर हाइनाज की लीडर उसके पास जाती है और उसे तंग करने लगती है। पहले पहले तो मैनुडेवा उन हाइनाज को डराने की बहुत कोशिश करता है, पर हाइनाज शायद उसके स्वभाव से पूरी तरह से परिचित थी। तभी मैनुडेवा के बार बार प्रयास करने पर भी वहाँ मौजूद हाइनाज डरने की बजाय उल्टा उसके मजे ले रही थी। ये सब देखकर वहाँ और हाइनाज इकट्ठा होने लगी और सभी मिलकर मैनुडेवा को घेर कर खड़ी हो गई। मैनुडेवा हार कर यहाँ से वहाँ भाग कर उन हाइनाज से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी नटवा डुमेला के प्राइड की एक शेरनी मात्सुमी आ जाती है। ये सब देखकर मात्सुमी अपने प्राइड के कुछ और शेरनियों के साथ हाइनाज के झुंड से भर जाती है। तभी इस बात की खबर नटवा डुमेला को पहुंचती है और वह अपने भाई और अपने प्राइड की शेरनियों की रक्षा के लिए भागते हुए वहां पहुंच जाता है। और फिर हाइनाज को देखकर नटवा डुमेला ने क्या किया होगा उसका अंदाजा तो शायद आप लगा ही सकते हैं। नटवा डुमेला के आते ही सभी शेरनियां और मैनुडेवा को हिम्मत आ जाती है और सभी हाइनाज को अपनी मौत दिखने लगती है। हाइनाज अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। नटवा डुमेला उनके ऊपर झपट कर उन्हें चीर देता है। नटवा डुमेला के जैसे ही मासूमी शेरनी भी हाइनाज को सबक सिखाना चाहती थी, इसके लिए वह नटवा डुमेला से भी ज्यादा तेज भागकर हाइना के लीडर के ऊपर झपट जाती है। तभी नटवा डुमेला आकर उस हाइना की गर्दन पर वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस गुस्सैल और खतरनाक नटवा डुमेला के जानलेवा कारनामों और नटवा डुमेला और हाइनाज के 36 के आंकड़े के बारे में इंटरनल एनिमीज नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। इसके बाद पूरे अफ्रीका के साथ साथ नटवा डुमेला को पूरी
दुनिया के लोग जानने लगे और इसे बाकी शेरों से अलग एक पहचान मिल गई। नटवा डोमेला का व्यवहार जितना दूसरे जानवरों के लिए खतरनाक और जानलेवा था, वो अपने प्राइड के मेंबर्स के लिए उतना ही मददगार भी था। नटवा डोमेला का आकार भले ही अपने भाई मेंडेवू से छोटा था, पर वह मेंडेवू से ज्यादा खतरनाक और तेज था। तभी उसके प्राइड पर कोई भी समस्या आने पर सबसे पहले उसे ही बुलाया जाता था। नटवा डोमेला अपने प्राइड की रक्षा करने के साथ साथ उनको शिकार करने में भी मदद करता था। हाइनास के अलावा नटवा डोमेला जंगली भैंसों के झुंड, नर हाथियों, दूसरे शेरों से भी अकेला ही बढ़ जाया करता था।